नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। नरसिंह है द्वादशी के दिन इन तरीकों से करें भगवान नरसिंह की पूजा। शास्त्रों में बताया गया है कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन नरसिंह द्वादशी का पर्व मनाया जाता है। नरसिंह द्वादशी के बारे में वेदों और पुराणों में भी इनकी अद्भुत कथा कही है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको नरसिंह द्वादशी के महत्व और पूजन के विधि के बारे में बताने जा रहे हैं। शास्त्रों में भगवान विष्णु के 12 अवतारों के बारे में बताया गया है। मान्यता के अनुसार नरसिंह द्वादशी के दिन भगवान विष्णु के अवतार भगवान नरसिंह एक खंभे को चीर कर प्रकट हुए थे। भगवान नरसिम्हा के अवतार में उनका आधा शरीर मनुष्य का है और आधा शेर का। भगवान विष्णु ने यही रूप धारण करके असुरों के राजा हिरण्यकश्यपु का संहार किया था। उसी दिन से इस दिन के ये से ही ये पर्व मनाया जाता है। शास्त्र के अनुसार नरसिंह द्वादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या का पाप भी मिट जाता है। नरसिंह द्वादशी का व्रत करने से मनुष्य को सांसारिक सुख भोग और मोक्ष तीनों की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य सच्चे मन से नरसिंह द्वादशी के दिन भगवान नरसिंह का व्रत करता है उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वो अपार धन संपत्ति का मालिक होता है। भगवान विष्णु ने नरसिम्हा अवतार धारण करके अपने परम भक्त प्रहलाद को भी वरदान दिया था कि जो भी मनुष्य नरसिम्हा द्वादशी के दिन शुद्ध मन से उनका व्रत और पूजा करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। उसी दिन से भगवान की भी पूजा होती है। नरसिंह द्वादशी से जुड़ी कुछ खास बातें आपको बताने जा रहे हैं। शास्त्रों में बताया गया कि नरसिंह द्वादशी के दिन जो भी जातक जो भी भक्त जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान नरसिंह की पूजा अर्चना करते हैं उसके जीवन में धन की कमी दूर हो जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान नरसिंह की पूजा करने से शत्रुओं का भी नाश होता है। जो भी मनुष्य सच्चे मन से भगवान नरसिंह की आराधना करता है उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। नरसिंह द्वादशी पूजन विधि आपको बता दें कि नरसिंह द्वादशी के दिन भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन भगवान नरसिंह की पूजा करके व्रत करते हैं। नरसिंह द्वादशी के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में मतलब 4 बजे उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के पश्चात स्नान करें। अब स्वच्छ वस्त्र धारण करके विधि विधान से भगवान नरसिंह की पूजा करें। भगवान नरसिंह की पूजा करने के लिए अपने घर के पूजा कक्ष में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखें। अब इस चौकी पर थोड़ा सा गंगाजल छिड़क कर इसे शुद्ध कर लें। अब इस चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। अब इसके ऊपर भगवान नरसिंह की तस्वीर की स्थापना करें और फल फूल धूप दीप अगरबत्ती पंचमेवा कुमकुम केसर नारियल अक्षत एवं पीतांबर से भगवान नरसिंह की पूजा करें। अब भगवान नरसिंह के सामने घी की दीपक जलाएं और नीचे दिए गए ये जो मंत्र हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से इसका जप करें। ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु नमाम्यहम। नरसिंह द्वादशी के दिन घर में शंखनाद अवश्य करें। ऐसा करने से घर में मौजूद किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर और घर के सभी दरवाजों पर रोड़ी से तिलक लगाना चाहिए और मन ही मन भगवान विष्णु को और उनके द्वारा प्रदान की गई अपने जीवन में कृपा के लिए धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहिए। भगवान नरसिंह की पूजा के संपन्न करने के बाद किसी निर्धन या किसी गरीब को अपनी क्षमता अनुसार दान अवश्य करें। भगवान नरसिंह के इन मंत्रों के जाप करने से मनुष्य के सभी प्रकार के कष्टों का निवारण होता है और भगवान नरसिंह की कृपा से जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल होता है। भगवान नरसिंह अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं, हमेशा इन अपनी कृपा अपने भक्तों पर बनाए रखते हैं।
अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। जय श्री कृष्णा। वंदे मातरम।